वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो अगेन एक मामा अर्थ के प्रोडक्ट के बारे में है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसका, ये विटामिन सी वाला फेस वॉश जो है उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा और आपको अपने लिए वो बाय करना चाहिए या नहीं, ठीक है? तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो ये है विटामिन सी का फेस वॉश। इसमें इन्होंने साथ में टर्मरिक भी यूज़ कर रखा है, ऐसा इन्होंने इसमें क्लेम करा है। ये वाला जो इनका फेस वॉश है वो है स्किन एल्यूमिनेशन के लिए, ठीक है? और ममाअर्थ के बाकी सारे प्रोडक्ट की तरह ये भी पैराबेन एंड SLS फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। और इन्होंने इसमें क्लेम करा है कि सूट्स और ऑल स्किन टाइप के, मतलब सारे स्किन टाइप को जो है वो सूट करेगा ये, इसमें ऐसा इन्होंने क्लेम कर रखा है, ठीक है? तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि मेरे हिसाब से ये कौन कौन सी स्किन वालों को सूट करेगा, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखते रहना और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर देना, ठीक है? तो ये वाली जो मेरे पास बॉटल है ये है 250 ml की। इनके जो है वो ट्यूब्स भी आते हैं छोटे, आप चाहो तो पहले वो भी ट्राई कर सकते हो, बट मुझे ये वाला जो है वो ठीक लगा तो मैंने ये 250 ml का जो है ये बड़ा सा ये बॉटल मंगाया, ठीक है? इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट है, इस तरह से ये पंप वाला है। और इसके जैसा कि आप देख ही सकते हो कि ये लेमन कलर का है, इसने इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो है थोड़ा सा जेल जैसा है, ये बहुत ज़्यादा रनिंग उसमें नहीं है कंसिस्टेंसी में, थोड़ा सा जेल टाइप का ही है ये वाला, ठीक है? और ये जो बॉटल मिली है मुझे, इसकी जो MRP है वो 399 की है। डिफरेंट टाइम पे आपको ऑफर्स के साथ मिल सकती है। अभी मैंने जो है वो ममाअर्थ के कई प्रोडक्ट का जो है वो रिव्यू करा है, बिकॉज मैंने कई सारे प्रोडक्ट जो है वो एक साथ मंगाए थे, बट एक एक करके सबकी वीडियो बना रही हूँ यूज़ कर करके देख के, ताकि ऐसे ही सिर्फ रिव्यू ना कर दूँ। पहले यूज़ करके देख रही हूँ, उसके बाद आपके साथ उसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, ताकि एक जेन्युइन रिव्यू आप सबके साथ शेयर हो पाए, ठीक है? तो ये वाला जो है इसमें इन्होंने जो क्लेम कर रखा है वो इन्होंने क्लेम कर रखा है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, जैसा कि ममाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट में क्लेम करा हुआ होता है वो ही। और ये वाला जो है इसमें इन्होंने बोल रखा है कि प्रोमोट्स इवन स्किन टोन। तो विटामिन सी का देखिए कोई भी प्रोडक्ट होता है ना तो वो स्किन को अच्छा करने में ज़रूर काम देता है, थोड़ा ब्राइटनिंग ज़रूर लेके आता है। आप कोई भी विटामिन सी रिच अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपकी स्किन पर ज़रूर एक अच्छी सी ब्राइटनप आप देखोगे कि बहुत अच्छे से ब्राइट हो रही है आपकी स्किन, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली काफ़ी टाइम तक यूज़ करना पड़ता है तभी कोई रिजल्ट देखने मिलता है, एक दो दिन में कोई भी रिजल्ट देखने नहीं मिलता, ठीक है? तो ये है, इन्होंने इसमें लिखा है फाइट्स फ्री रेडिकल डैमेज, ठीक है? तो ये वाला है, और इसमें इन्होंने सल्फेट्स वगैरह का भी यूज़ नहीं करा है, पैथलेट्स का भी यूज़ नहीं करा है, एंड ये pH बैलेंस्ड है, ठीक है, आपके स्किन के लिए। और जो इनके की इन्ग्रीडियंट हैं वो है एक्वा सोडियम लेरोलेल, और इसमें है ग्लिसरीन, सोडियम PCA, और इन्होंने इसमें यूज़ करा है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, कैस्टर ऑयल, लेमन ऑयल, मैग्नीशियम यूज़ करा है इन्होंने इसमें, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी यूज़ करा है, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट भी इन्होंने इसमें यूज़ कर रखा है, पोटेशियम सोर्बेट भी इन्होंने यूज़ कर रखा है। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट्स जो है वो इन्होंने यूज़ कर रखे हैं, जो बेसिकली स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी कि जो एक्ने वाले जो लोग होते हैं, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो वो टी ट्री वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज़ करें। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो है वो ऑयल स्किन टाइप तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज ड्राई स्किन के लिए भी मुझे ये ठीक लगा, ऑयली स्किन के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि ऑयली स्किन को ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ये सूट करेगा, और ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन सभी को ये सूट करेगा। बट मुझे लगता है कि जो एक्ने वाली जिनकी स्किन है वो टी ट्री वाली चीज़ें यूज़ करें तो उनको ज़्यादा बेनिफिट देगा, इससे हो सकता है कि उनको पिंपल हो जाए, क्योंकि जिनकी एक्ने वाली स्किन होती है ना, हो सकता है उनको विटामिन सी वाली चीज़ों से थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए, शायद पिंपल वगैरह आ जाए, तो वो इसे ना यूज़ करें। और अगर यूज़ करना भी चाहते हैं तो पहले एक पेस्ट ज़रूर कर लें, ताकि उनका जो स्किन है, जो फेस है, वो डैमेज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है? तो ये हो गया। एंड जो इसकी पूरी बॉटल की जो शेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स की आपको मिल जाएगी, 2 ईयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो ईजिली। और इसका मैंने MRP भी आपको बता दिया है, डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट ऑफर्स के साथ मिल जाता है, मैं आपको बाय लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना कि करंटली आपको किस रेट पर ये मिल रहा है, ठीक है? ऐसे ममाअर्थ पे काफ़ी अच्छे अच्छे जो है उनकी वेबसाइट पर काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर आते रहते हैं। तो आई थिंक कि मैंने इसके बारे में आपको सभी कुछ बता दिया है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर
बताना। और मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि इसकी जो प्रेगनेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी सी लिमका वाली लगती है मुझे। आई नो सुनने में थोड़ा सा फनी है, बट जैसा लिमका होता है ना, आप जब भी इसको बाय करोगे आप देखना, बहुत ही रिफ्रेशिंग इसकी जो है वो प्रेगनेंस है। इसको लगाने की यूज़ करने के बाद भी आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगेगा थोड़ी देर तक फेस पर, हाँ थोड़ी देर तक ही लगेगा, ज़्यादा देर तक तो नहीं लगेगा, पर थोड़ी देर तक थोड़ा सा अच्छा फ्रेशनेस लगती है आपको अपनी स्किन पर। लिमका वाली जो फ्रेगनेंस आती है वो भी अच्छी लगती है। और जो कलर है इसका वो लेमन वाला ही है, ट्रांसपेरेंट बॉटल में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सभी कुछ बता दिया, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह यहीं से दिख जा रहा है कि कौन से कलर का है एंड कैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में सभी कुछ बता दिया है, बट फिर भी कुछ रह गया हो, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर देना, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड कलर से सब्सक्राइब लिखकर आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, आप वहाँ पर टच करोगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके पास में एक बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कर देना। तो मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।